माँ ये माँ सिर्फ अमीरों की माँ है, गरीबों की माँ नहीं है, ये याद रखो। ये जो मकसद है कि भाई और एक बार कुमार सामी साहब जो है यहाँ पर सीएम बनना। बच्चे फोन करके रोए हमारे पास कि 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रहे, हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ, हमारे पास पैसे नहीं है बनने के वास्ते। अरे कांग्रेस सरकार है, दोनों जने कांग्रेस और बीजेपी दोनों जने मिलके जो है आग मछली का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की और बीजेपी की सियासत नहीं चल रही है अब यहाँ पे, यहाँ पे जेडीएस की एक सेक्युलर आइडियोलॉजी स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ये सब हालत क्या, यहाँ की एमएलए को नहीं नजर आ रहा, चाहे वो कांग्रेस को या बीजेपी के एमएलए को नजर नहीं आ रहा। इन्हों के एमएलए खाली अमीरों के वास्ते बने। आप सभी मतदान साथियों का मैं इस्तकबाल करता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम मोहम्मद आसम, मैं जनता दल डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट लेबर विंग। आप आज यहाँ पे मकसद से हम जमा हुए हैं, आप सभी बेहतर जानते हैं, आज ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। दुर्गाधा सिटी में 7 लाख की पॉपुलेशन में 4 लाख खाली लेबर्स हैं यहाँ पर, और लेबर तकबे को कोई नहीं देखता। अब यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हुए, इसमें बहुत ज़रूरी है कि अब आने वाले वक्त में हमको लेबर कैटेगरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो उनकी स्कीम से लेकर रहने दो, यहाँ के वजीफे से लेकर रहने दो, उनके हेल्थ इश्यूज के, उनके एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के ऊपर। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, तमाम नौजवान जो है आज आके यहाँ पर जनता दल सेक्युलर में ज्वाइन हुए। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे लेबर सेल के जो अध्यक्ष हैं सिराज शादी साहब को, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि भाई आने वाले जो नौजवान ज्वाइन हुए, आने वाले दिनों में यहाँ पर नॉर्थ में हमारे कायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब के जो हाथ आने वाले दिनों में इलेक्शंस का काम करके उनको जिताने का काम करेंगे, और तमाम जहाँ जहाँ भी उनकी ये है पूरा डिस्ट्रिक्ट फिर के जो है आने वाले दिनों में जनता दल सेक्युलर को मजबूत करने का काम करेंगे। कुमार राणा साहब को सीएम जो 2023 में जो हमारे हमारे तमाम लीडर हमारे वर्कर्स का जो मकसद है कि भाई और एक बार कुमार सामी साहब जो हैं यहाँ पर सीएम बनना और आवाम को आवाम का फ़ायदा होना। या जो बीजेपी सरकार और ये कांग्रेस सरकार है, दोनों जने कांग्रेस और बीजेपी दोनों जने मिल के जो है आग मछली का काम कर रहे हैं, ये लोग आवाम का सोच नहीं रहे। तो आज इतनी बुरी हालतों से आवाम गुजर रही है, इतने परेशानियों के साथ गुजर रही है। तो मैं आने आवाम से अपील करता हूं कि भाई आप जनता दल सेक्युलर में, और तमाम लोग नौजवानों से अपील करता हूं, तमाम लोग जनता दल को आइए और ज्वाइन करिए। आने वाले दिनों में नासिर हुसैन उस्ताद साहब का, कुमार सामी साहब का, देवगढ़ साहब का हाथ मजबूत करिए बोल के आपके मीडिया के थ्रू अपील करता हूं। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शब्दी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेबर विंग गुलबर्गा से। यहाँ पर गयास और रईस की टीम लेबर सेल ज्वाइन करे सो है, यहाँ पर पोजीशन यहाँ पे मेंबरशिप का है। खुशी की बात यह है, जब मैं ये लोगों को बात करा कि आप लोग वार्ड के हिसाब से कौन से पोजीशन लिंग पोजीशन का एक चार्ट बनाओ, उसके हिसाब से हम ये करेंगे, तो यही नौजवान बोले कि आप पहले हमारा काम देखो, हमारी काबिलियत को देखो, उसके बाद हम पोजीशन की बात करेंगे। ये बेशक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता कि कोई भी लोग जब पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहते पहले डिजिग्नेशन की बात करते हैं लोग। ये जो अल्फाज है ये नौजवानों के, ये एक रेवोल्यूशन बताता कि गुलबर्गे में एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ये कांग्रेस की और बीजेपी की सियासत नहीं चल रही अब यहाँ पे, यहाँ पे जेडीएस की एक सेक्युलर आइडियोलॉजी स्टार्ट हो गई यहाँ पर, जहाँ पर ऐसे नौजवान जो डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे, कौम की खिदमत की बात कर रहे, पॉलिटिकल विंग में आकर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन होकर, ये बेशक बहुत खुशी की बात है। और वाकईतन यही लोग आने वाले वक्त में एक मिसाल बनेंगे गुलबर्गा के लिए इंशाल्लाह। तो मैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और ये एक आपको कॉन्फिडेंट देता हूँ कि चाहे किसी भी इश्यूज रहें, बड़े से बड़े छोटे से छोटे इश्यूज, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जेडीएस की पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम, अलीम भाई है, नासिर हुसैन उस्ताद साहब है, हम लोग हैं,
हम तमाम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ठहरेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ आगे बढ़कर जो भी आपके मसले मसाल चाहे वार्ड करें दे, सिटी करें दे या डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज लेकर आंदे आप, उसके ऊपर हम बराबर काम करेंगे। और गुलबर्गा के भी नौजवानों के मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वक्त आ गया कि आप लोगों को सियासती प्लेटफॉर्म में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस, उनकी ताकत से ये बदमाशी कर रही है, ये मुसलमानों को, ये माइनॉरिटी को जो सताने की साजिश चली, ये यही बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत से कर रहे हैं। इसलिए वक्त आ गया कि आज हम लोगों को भी माइनॉरिटी को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे पढ़े लिखे नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप लोग आएंगे तो इसकी ताकत डबल बन सकती है, नए स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं और गुलबर्गा को ये कांग्रेस और बीजेपी मुक्त कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यही कांग्रेस और बीजेपी जो इतने सालों से हुकूमत करते आ रही है, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट करी, क्या एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करी, कुछ नहीं। 3-4 साल से बच्चों की स्कॉलरशिप बंद है। बच्चे जब हम स्कॉलरशिप की मुहिम चालू कर रहे हैं, बच्चे फ़ोन करके रोए हमारे पास कि 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रहे, हमारे अब्बा का इंतकाल हो, हमारे पास पैसे नहीं है भरने के वास्ते है। ये सब हालत क्या है, यहाँ की एमएलए को नहीं नज़र आ रहा, चाहे वो कांग्रेस को या बीजेपी के एमएलए को नज़र नहीं आ रहा, इन्हों के एमएलए खाली अमीरों के वास्ते बने। यहाँ के गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए को माँ का दर्जा दिया गया, माँ का, भाभी माँ का दर्जा दिया गया। माँ, ये माँ सिर्फ अमीरों की माँ है, गरीबों की माँ नहीं है, ये याद रखो। ये इसलिए तमाम गरीबों को उठना चाहिए, आवाज़ लगाना चाहिए और आने वाले वक्त में असेंबली में नासिर हुसैन उस्ताद एक ऐसे लीडर है जो असेंबली में आवाज़ उठा सकते हैं, वही इंसान को हमको जिता कर लाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स। फॉर डेली अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल।